इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। आईपीएस कॉलेज में सांसद नकुलनाथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांसद नकुलनाथ से कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका जवाब सांसद ने बड़ी स्पष्टता के साथ दिया और अपना अनुभव भी साझा किया। इस दौरान सांसद नकुलनाथ के साथ कॉलेज के शिक्षक व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि शिक्षा राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, इस पे आपकी क्या विचारधारा है? शिक्षा से राजनीति प्रभावित हो रही है या राजनीति से शिक्षा? विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने के लिए तो तैयार है, पर राजनीति में आने के लिए तैयार नहीं है। साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक क्षेत्र से भिन्न क्या राजनीति भारत का पर्याय है? कि मेरी प्राथमिकता आपका भविष्य है और मुझसे जो हो सके मैं करता हूं। हर आजकल हम निशुल्क एडमिशन दिलवा रहे हैं सेज यूनिवर्सिटी में, रेनेसांस यूनिवर्सिटी में, टीआईटी भोपाल में, तो जो भी स्टूडेंट्स क्वालिफाई होते हैं उनको हम फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। अब तक परिवहन विभाग का अमला और यातायात पुलिस ही वाहनों की जांच करते देखे गए हैं, लेकिन पहली बार ऐसा सामने आया है जब खुद न्यायाधीश ने जांच की बागडोर संभाली। शनिवार को नागपुर रोड के लिंगा बाईपास में इस अभियान के दौरान 107 छोटे बड़े ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की गई जिनमें परिवहन नियमों का पालन नहीं मिला। कार्रवाई में 73,000 रुपये का शुल्क वसूला गया। वार्ड क्रमांक 1 में सामने आया है यह मामला, जहां पर एक युवक ने एक बुजुर्ग को गुमराह करके 40,000 रुपये की रकम, जानकारी के अनुसार परासिया के वार्ड क्रमांक 21 बजरंग वार्ड के निवासी कमल सिंह डहरिया अपना एटीएम लेकर चांदामेटा के वाटिका कॉम्प्लेक्स में गए थे। एटीएम से रुपये निकालने के दौरान जब उन्हें पिन डाला, पीछे खड़े एक व्यक्ति ने पिन देख लिया। इसके बाद वृद्ध से बोला, मैं रुपये निकाल देता हूँ। उसने थोड़ी देर बाद कार्ड वापस करते हुए बोला, पैसे नहीं निकल रहे हैं। जब बुजुर्ग घर पहुंचे तो मैसेज आया कि एटीएम से 40,000 रुपये निकाल लिए गए, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज करा दी गई है। शहर के व्यस्ततम इलाके गांधीगंज में गंदगी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां वार्ड क्रमांक 17 के क्षेत्रवासियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्हें गंदगी से बचाने के लिए नाक में पट्टी बांध दी। रहवासियों का कहना है कि प्रतिमा के आसपास से लेकर जगह जगह गंदगी फैली हुई है और निगम अमले को इस बारे में कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, परंतु सफाई कर्मियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आरकॉन्स सिटी में देर रात पुलिस ने एक मकान में छापा मारा, जिसमें मौके पर 6 राउंड देसी कट्टा मिला, साथ ही 40,000 की शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आंख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आंखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा। और बता भाई, सूरज कैसा चल रहा है तेरा होम पेंटिंग का काम? मुझे तो लग रहा है कि बहुत जल्दी काम निपटा दिया इन्होंने। आइए आइए सुरेश अंकल, बस बढ़िया ही चल रहा है होम पेंटिंग का काम। चलिए आपको बाहर से दिखाता हूँ सब काम कैसा हुआ है। हाँ हाँ, चलो बाहर से भी देखते हैं। ये देखिए अंकल, पूरा घर चमका दिया है इन्होंने बहुत जल्दी। अरे सूरज बेटा, मुझे भी उनका एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर दे दो जिनसे तुमने होम पेंटिंग का काम कराया है। हाँ हाँ, क्यों नहीं अंकल। उनका नाम है सिटी पेंट और वो आपको कलर पेंट, वाटरप्रूफिंग और सेफ पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनके यहाँ आपको एशियन पेंट्स, नेरोलेक पेंट्स और डुलेक्स पेंट्स की रेंज मिल जाएंगी। वो सेफ और फास्ट होम पेंटिंग की सर्विस देते हैं। उनका एड्रेस है नरसिंहपुर नाका छिंदवाड़ा MP और मोबाइल नंबर है 9826588245। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज पथ विक्रेता महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका भोपाल लाल परेड ग्राउंड से पथ विक्रेताओं को ऑनलाइन खाते में राशि वितरित की गई, जिसका आयोजन नगर निगम द्वारा टाउन हॉल में वर्चुअल के माध्यम से आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, शेषराव यादव, विजय झांझरी सहित भाजपा के जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में पथ विक्रेता उपस्थित रहे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल में जब हमारे पथकर विक्रेता उस समय लॉकडाउन लग गया, जो उनके पास पूंजी होती थी वो उन्होंने अपने परिवार के भरण पोषण में पूरी पूंजी लगा दी। जब कोरोना का लॉकडाउन हटा फिर से उनको अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए राशि की आवश्यकता थी, लेकिन उनके पास उनकी जमा पूंजी पूरी खर्च हो चुकी थी, उनके पास कुछ पैसा नहीं था। लेकिन उनके साथ में उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े थे, उन्होंने योजना प्रारंभ करी और तब से लेकर आगे करके करोड़ों हमारे पथ विक्रेताओं के खाते में यह राशि जा चुकी है। हजारों मनरेगा मैट एवं श्रमिकों द्वारा कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा गया और पोला ग्राउंड में एकत्रित हुए, जिनके बीच सांसद नकुल नाथ भी पहुंचे। हजारों की संख्या में दशहरा मैदान पहुंचे मनरेगा एवं मैट श्रमिकों को सांसद ने विश्वास दिलाया कि ग्राम पंचायतों में मनरेगा कार्यक्रम के तहत काम करने वाले मैट संगठन की जो भी मांगे हैं उन्हें कांग्रेस की सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। मनरेगा जो मैट हैं, जो एक तरीके से सुपरवाइजर का काम करते हैं, सारा मनरेगा का काम कराते हैं, उन्हें आज तक सरकार ने उनके लिए कोई मानदेय तय नहीं किया है, जबकि ये पंचायतों के बहुत महत्वपूर्ण कर्मचारी हैं। पिछले 8-10 साल में मनरेगा में सरकार ने न तो काम के दिन बढ़ाए हैं न मजदूरी की दर बढ़ाई है। समस्त मैट बंधुओं की तरफ से 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। अगर इस मांगों में हमारी कोई कार्रवाई अगर नहीं होती है तो आने वाली 7 तारीख को भोपाल में हमारे समस्त पड़ोसी जिले के मैट बंधुओं द्वारा एक सामूहिक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाएगा। अभी तक शासन से न प्रशासन से हमें किसी प्रकार की कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ हर्रई ब्लॉक के कर्मचारियों द्वारा कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने 6 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। सबसे पहले अवगत कराना चाह रहा हूँ, मेरे जो सहकर्मी भाई बहनें हैं जिनको 6-6 महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत दयनीय हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि हर महीने में वेतन नहीं होता, तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि हर महीने की 1 तारीख को अंशकालीन कर्मी, दैनिक वेतन भोगी और अस्थायी कर्मियों को जैसे का मतलब हर एक महीने में मानदेय भुगतान किया जाना चाहिए। तीसरी मेरी समस्या ये है कि माननीय कलेक्टर महोदय शीतला पटले जी ने जो आदेश श्रम विभाग का पारित किया था तो वो फॉलो नहीं हो रहा है। हर विकासखंड के विकासखंड में हो ही नहीं रहा है, समस्त जिले के शिक्षा विभाग में भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। प्रभात पोषण साथी ने राष्ट्रीय पोषण माह में दिया संदेश। आज स्कूल के बच्चों द्वारा राष्ट्रीय पोषण दिवस के उपलक्ष्य में पोषण रैली निकाली गई। रैली में सहभागिता एनजीओ से प्रियंका मालवी, ज्योति मोहरिया, सतरूपा चंद्रवंशी, रोशनी चौक से एवं आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ता सहित स्कूल के समस्त टीचर्स उपस्थित रहे। बच्चों ने रैली में पोषण संबंधी जानकारी देते हुए पूरे गाँव में भ्रमण किया। कार्यक्रम का आयोजन अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन तथा हिंदुस्तान यूनिलीवर द्वारा कराया गया। खेलो एमपी यूथ गेम जिला स्तरीय चैंपियनशिप वर्ल्ड वाइड जिम में संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस के मुख्य आतिथ्य में तथा आर नागले, रविकांत अहिरवार की विशेष उपस्थिति में संपन्न हुआ। बालक वर्ग में अलग अलग वेट कैटेगरी में खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें 6 बालक एवं 5 बालिका खिलाड़ियों का चयन हुआ। मेहनत करना है, मेहनत का तो गेम ही है और डिसिप्लिन में रहना है आपको, क्योंकि अनुशासन में ही सब कुछ है। अनुशासन नहीं है तो आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। गुरु का, माँ बाप का आदि सपोर्ट नहीं हो तो कोई भी बच्चा, कोई भी खिलाड़ी बन सकता। किसी भी खिलाड़ी का इंटरनेशनल लेवल का इतिहास देखोगे, उनसे पूछोगे उनका जीवन परिचय, तो वो यही बताएंगे। अनुशासन बहुत ज़रूरी, जैसे नागली जी ने कहा, अगर खिलाड़ी अनुशासन नहीं है तो खिलाड़ी नहीं है।
बाहर आप किसी भी रोड चलते आदमी को पहचान सकते हो कि ये आदमी खिलाड़ी है, क्योंकि अनुशासन बहुत जरूरी है इसमें। सर्वप्रथम अनुशासन है, उसके बाद सब कुछ है। तो आप लोगों को मैं शुभकामना देता हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब से DSO में नागली जी आए हैं, खेल की गतिविधियाँ बढ़ गई हैं। इन्होंने अपने भोपाल से जितना भी इनको सामान मिलता है खेल युवक कल्याण से, ये सभी को बांटते हैं, बगैर उसके बताए बांटते हैं। जो लोग यानी जरूरतमंद हैं उनको देते हैं। सांसद नकुल नाथ आज शनिवार को शहर के विभिन्न गणेश पूजा पंडालों में जाकर पूजा अर्चना कर दर्शन किए। इसी क्रम में सांसद नकुल नाथ ने गोलगंज के सेठ जी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया और जिले वासियों के सुख और शांति की कामना की। गणपति स्मरणम हरि ओम मां विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय। अमरवाड़ा के सोनपुर आदिवासी सीनियर बालक छात्रावास में रहने वाले एक छात्र की शनिवार को तबीयत खराब होने के बाद संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। इससे ट्राइबल विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम सोनपुर छात्रावास पहुंचे, जिन्होंने छात्रावास का निरीक्षण करने के साथ मृत बालक के परिजनों से मुलाकात की। सोनपुर छात्रावास में बोर गांव बटका खापा निवासी कक्षा 11वीं का विद्यार्थी ओम प्रकाश पिता रमेश मर्सकोले उम्र 18 वर्ष रहता था, जिसकी शनिवार सुबह अचानक तबीयत खराब हुई, जिसे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।